हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन कोहली एंड आई वेलकम यू ऑल मसल मास्टर्स जिम्स, मसल मास्टर्स यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट्स इन इंडिया। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो व्हाट्सएप नंबर 9999689818 कीप ऑन रिंगिंग और सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन आई कैन सी। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर टुडे बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत टाइम से बोलना चाहता था। और ये टॉपिक बेसिकली क्या बात करता है कि गोल्ड जिम्स अगर हम बात करें, मेरा ड्रीम जिम हुआ करता था, बहुत दिल से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ड्रीम जिम हुआ करता था कि मेरे पास गोल्ड जिम की मेंबरशिप होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े 10,000 स्क्वायर फीट के, 15,000, 20,000 स्क्वायर फीट के 30-30 ट्रेडमिल्स, 40-40 स्पिन बाइक्स और पूरा लाइफ फिटनेस इंस्टॉल किया हुआ है, 15-15, 16-16 सिर्फ एक एक पार्ट के स्टेशंस। बट व्हाई गोल्ड जिम गॉट बैंकरप्ट? गोल्ड जिम बैंकरप्ट क्यों हुआ? क्यों गोल्ड जिम जो कर सकता था वो गोल्ड जिम नहीं कर पाया? सो दिस वीडियो इज फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, इंडिकेटर है आप भी एक जिम चलाते हैं और समझिए कि आखिर में गोल्ड जिम के बैंकरप्ट होने का कारण क्या रहा। ये वीडियो जो मैं करने वाला हूँ, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ वीडियो करने से पहले, इस वीडियो के अंदर दो चीजें हैं। इस वीडियो के अंदर जब हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करी मेरी टीम ने कि ऐसा गोल्ड जिम के साथ क्यों हुआ, तो हम लोगों ने बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी उठाए हैं और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी उठाए हैं जो इंडिया बेस्ड है। तो आपको जो इसके अंदर जवाब मिलेगा कि गोल्ड जिम आखिर में बैंकरप्ट क्यों हुआ, तो इसके अंदर आपको दोनों प्रकार के इनपुट्स मिलेंगे, जो इनपुट्स जो गलतियां आप अपने जिम के अंदर ना करें और आप जो अपने जिम है, अगर आप एक चेन बनाना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़े लेवल पे जिम चलाते हैं, तो उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकें। मेरा जो मानना है, एंड मेरा मानना नहीं है, ये बहुत रिसर्च बेस्ड वीडियो है, जो सबसे पहला कारण है गोल्ड जिम का बैंकरप्ट होने का और इंडिया के अंदर डिमिनिश होने का, इंडिया के अंदर खत्म होने का, क्योंकि इंडिया के अंदर किसी टाइम पे अगर इसकी 1000 ब्रांचेस थी तो आज के टाइम पे 10-12 ब्रांचेस भी ऑपरेटिव नहीं है। सबसे पहले जो इसका कारण रहा वो ये रहा कि गोल्ड जिम सिर्फ और सिर्फ जो फोकस किया करता था, वो फोकस किया करता था पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर। मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो अगर जाके देखोगे ना, मैं ये बोलता हूँ कि अपने टारगेट ऑडियंस को समझो, या तो पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो खोलना है तो सिर्फ उसको पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो के लिए खोलो, लेकिन अगर आप एक जनरल ट्रेनिंग स्टूडियो खोल रहे हो जिसके अंदर पर्सनल ट्रेनिंग एक पार्ट है, तो पर्सनल ट्रेनिंग ही सब कुछ नहीं हो सकता। गोल्ड जिम के अंदर अगर 22 ट्रेनर हुआ करते थे जिसमें से 20 पर्सनल ट्रेनर हुआ करते थे और 2 जनरल ट्रेनर हुआ करते थे जिन्हें फ्लोर ट्रेनर बोलते थे, जूनियर ट्रेनर बोलते थे, और आज के टाइम पे जो इंडिया की ट्रेनिंग कैपेसिटी है वो हर कोई पर्सनल ट्रेनिंग एफोर्ड नहीं कर सकता, तो फोकस जो किया गया ना सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर, देखो पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना बुरा नहीं है। आज के टाइम पे गोल्ड जिम का तो एक्चुअली बहुत बड़ा नाम है। आज के टाइम पे मैं बहुत सारे ऐसे मिड लेवल के जिम जानता हूँ जो 2-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुए, गोल्ड को कॉपी किया गया, गोल्ड के स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया, पर्सनल ट्रेनिंग को कॉपी किया गया और वो जिम 2-2.5 साल के अंदर पूरे 2-3 करोड़, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ निपट गए, वो जिम खत्म हो गए। सो जो सबसे पहला रीजन था गोल्ड जिम का जाने का, वो है कि बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर गोल्ड जिम गया। नाउ जो दूसरा रीजन है गोल्ड जिम का, जो दूसरा रीजन है वो ये बोलता है कि गोल्ड जिम की जो प्रॉपर्टीज थी ना, ये गलती अभी हाल में भी आप लोग कर रहे हो, आप बिल्कुल ये गलती हाल बेहाल में भी कर रहे हो कि आपके कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, और आपके कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आप उस एरिया के अंदर जो गोल्ड जिम ने किया उस एरिया के अंदर आपने 15,000 स्क्वायर फीट का जिम रेंटेड प्रॉपर्टी पर खोल दिया। अभी अभी मेरे पास एक लाइव केस है, 9,000 से 10,000 स्क्वायर फीट बड़ा जिम खुला एक रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर, 2 करोड़ रुपए लग गए, कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी वही छोटी सी है, तो ना वो जिम को अफोर्ड कर पा रहा है, ना वो जिम को अफोर्ड कर पा रहा है और ना फाइनली अपने एक्सपेंसेस को बीट कर पा रहा है। तो गोल्ड जिम ने जो इनिशियल पीरियड के अंदर बैंकरप्ट होने से पहले अपने चार्जेस को बहुत स्ट्रांगली बीट किया, प्रॉफिट्स भी बनाए, महंगी मेंबरशिप्स बेची और
पॉइंट लेकिन क्या रहा ना यहाँ पे, पॉइंट ये रहा कि जब वो महंगी मेंबरशिप्स गोल्ड जिम बेचता गया, जब कंपटीशन उठा, जैसे ही राइज हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे ही हम बोलते हैं एक गली के अंदर चार जिम खुलने शुरू हुए, तो वो एक गली के अंदर जब चार जिम खुले तो उनकी रनिंग कॉस्ट थी 2 लाख महीना, गोल्ड जिम की रनिंग कॉस्ट थी 25 लाख रुपए महीना। वो 2 लाख रुपए जो रनिंग कॉस्ट है उसने कम फीस रख के, थोड़ा गोल्ड जिम वाली फैसिलिटी दी, 25 लाख रुपए रनिंग कॉस्ट वाला अपने एक्सपेंसेस ही बीट नहीं कर पाया, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम गोल्ड जिम, आई टेल यू द रीजन इज, ना वो रेंट्स पे कर पाए, ना वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर पाए, आज तक जो स्टाफ की सैलरीज हैं वो भी कुछ हद तक पेंडिंग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड जिम एज अ ब्रांड, मैं गोल्ड जिम फ्रेंचाइजी की भी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के पास गोल्ड जिम फ्रेंचाइजी थी। ओके, सो रियल एस्टेट एक्सपेंस वाज टू हाई, एंड द टोटल एक्सपेंस, नॉट ओनली रियल एस्टेट एक्सपेंस, एक गोल्ड जिम के अंदर 50 इंप्लॉयज हुआ करते थे दोस्तों, अगर तुमको याद होगा तो। सो दिस इज नॉट, हमारी जो मार्केट है ना, इंडिया की जो मार्केट है ना, इंडिया की मार्केट अभी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी है कि उसके अंदर आप एक जिम के अंदर 50 इंप्लॉयज रख के एक जिम को चलाने की कोशिश कर सकते हो। एक बार जब आप ये नया कॉन्सेप्ट लाओगे तो आपको डेल्टा जरूर मिलेगा, बिजनेस ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर एक ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल किसी भी हालत के अंदर नहीं है। तो पहला रीजन ये था कि वो सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो रहा। दूसरा रीजन क्या था कि रियल एस्टेट एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस थे, नॉट रियल एस्टेट एक्सपेंसेस, द ओवरऑल एक्सपेंसेस वर टू हाई, कि उसको मीट करना गोल्ड जिम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। ये तो रहे इंडिया बेस्ड। अब दो ग्लोबल रीजन हम लोगों ने इसके रिसर्च किए हैं, दो ग्लोबल रीजन जिसके अंदर इंडिया भी आता है। वो ये बोला जाता है गोल्ड जिम का क्या था कि गोल्ड जिम फोकस करता था हाई ईयरली फीस के ऊपर सिर्फ। वो कहता था कि ईयरली तुम मेरे को 24,000 दे दो, लेकिन मैं तुमसे मंथली 15,000 रुपए लूंगा। अगर आप लोग गोल्ड जिम गए हैं तो आप मेरी बात रिलेट कर पा रहे होंगे। तुम मेरे को ईयरली दे दो 45,000 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयरली तुम मेरे को 35,000 दे दो, लेकिन मंथली 15,000 लूंगा, क्वार्टरली 25,000 लूंगा, हाफ ईयरली 30,000 लूंगा, ईयरली 40,000 लूंगा। तो जो फोकस था ना वो सिर्फ एनुअल मेंबरशिप्स के ऊपर था। तो बॉस ये जो स्ट्रेटेजी है ना हाई फीस की और एनुअल मेंबरशिप की, ये स्ट्रेटेजी किसी जिम के अंदर नहीं चलती। तुम्हारे पास हर प्रकार का कस्टमर आता है, तुम्हारे पास मंथली कस्टमर भी आता है, क्वार्टरली कस्टमर भी आता है, हाफ ईयरली कस्टमर भी आता है। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ना जेंसी की बात मानी, ना मैनुअल की बात मानी। तो इन दैट केस दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव सजेस्टेड इट और गोल्ड जिम नहीं माना, सो एनुअल मेंबरशिप के साथ कंटिन्यू रखा। तो एनुअल मेंबरशिप ये एक सीख और देता है आपको, क्या सीख देता है कि हर प्रकार की मेंबरशिप फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए अपने क्लाइंटेज के लिए। जो सबसे ज्यादा चौथा पॉइंट रहा, वो चौथा पॉइंट ये रहा, ये थोड़ा इंडिया से बाहर हटके पॉइंट है जो गोल्ड जिम बैंकरप्ट हुआ, कि इसके अंदर ना डिजिटलाइजेशन नहीं थी। डिजिटलाइजेशन से मेरा क्या मतलब है, जब कोविड का टाइम आया तो मैं और किसी जिम का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आप सब लोगों ने सुने होंगे जो गोल्ड जिम के टक्कर के ब्रांड्स हैं, बट दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड ट्रेनिंग देयर क्लाइंट्स डिजिटली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी उन्होंने, ऑनलाइन क्लासेस देनी शुरू कर दी। गोल्ड जिम के थ्रू कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया पूरे कोविड पीरियड के अंदर। अगर वो जिम बंद था तो वो जिम बंद रहे। कोविड ने 3 साल फिटनेस इंडस्ट्री को परेशान किया है, 3 साल तक फिटनेस इंडस्ट्री परेशान रही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन या जो जिम 3 साल किराए के नीचे आ गया बिना किसी इनकम के, 3 साल किराए के नीचे आ गया बिना किसी रेवेन्यू के, उसका तो बैंकरप्ट होना 100% तय ही था। सो माय डियर फ्रेंड्स, 4 पॉइंट्स बिल्कुल मत गलती कीजिए। गोल्ड जिम बहुत बड़ा ब्रांड था, आज भी गोल्ड जिम मेरी नजरों में उतना ही रिस्पेक्टेड ब्रांड है। गोल्ड जिम से जितने बॉडी बिल्डर्स निकले, अगर आपने पंपिंग आयरन देखी है आर्नोल्ड की, गोल्ड जिम से जितने भी बॉडी बिल्डर्स निकले उतने बॉडी बिल्डर्स कोई भी जिम नहीं निकाल पाया। बट गोल्ड जिम ने जितनी इनोवेशन दी, जो सुविधा गोल्ड जिम ने दी, जो एनवायरमेंट करिश्मा गोल्ड जिम ने दिया, वो कोई भी जिम आज के टाइम पे आप किसी जिम का नाम ले लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, गोल्ड जिम के आगे सब इतनी छोटी छोटी मछली है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, आप सिर्फ एक पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो नहीं चला सकते। आप इतने हाई रियल एस्टेट कॉस्ट के ऊपर, इतने हाई एक्सपेंस के ऊपर छोटे जिमों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ एनुअल मेंबरशिप्स के ऊपर जिम नहीं चला सकते। अगर आपका जिम बंद है और आप ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी हालत के अंदर इस मार्केट के अंदर सरवाइव
नहीं कर सकते। हर धंधा चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, हर धंधा चलाने के लिए पैसा चाहिए। गोल्ड जिम के पास वो रेवेन्यू और वो पैसा खत्म हुआ, इस वजह से गोल्ड जिम ने अपनी बैंकरप्सी फाइल करी। और एक एक करके बहुत दुख होता है कि एक एक करके वो इंडिया से पूरी तरीके से प्रॉपरली गायब हो गया है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो लाइक का बटन वहां नीचे दबाइए, कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।